शोएब भाई, हमारे शकील भाई, इन सबका अभिनंदन करता हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी है वैक्सीन लेना। अभी मैं और काशिफ बात ही कर रहे थे, काशिफ ने मुझे एक मध्य प्रदेश का एक बाइक दिखाया कि वहाँ पर जो भी मौत हुई है अभी के फिलहाल के थर्ड वेव में, वो 96% जिसने वैक्सीन नहीं लिया था। और वैसे अपने मुंबई में परसों अपने इकबाल चहल कमिश्नर का एक बयान है कि मुंबई में जो हॉस्पिटल में केसेस है उसमें सिर्फ 4%, बाकी के नहीं तो 96% लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, वो है। इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर पिछले एक महीने से जो दोनों संस्थाएं जुमा मस्जिद और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वैक्सीन लगा रही है, अपने घर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया इन्होंने, इतनी मेहनत करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज है वैक्सीनेशन, तो क्यों नहीं लेना। और ये अफवाह थी, अब वो भी दूर हो गई है कि वैक्सीन लेने से कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता है। मैंने मेरे वैक्सीनेशन सेंटर में 35,000 लोगों को वैक्सीन दिया है माधोबाग, और हम उसका मॉनिटर करते हैं डाटा। काशिफ भाई, एक आदमी भी बीमार नहीं हुआ है। ये खाली यहाँ दुखता है, वो तो कोई भी इंजेक्शन लेने जाओ। इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। अब भी कोई रह गया हो, मैडम आपने जो सवाल किया, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब भी कोई रह गया हो तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर अपने इलाके में यहाँ पर मांडवी में खड़ा कर दिया आरिफ बापू ने और शोएब भाई ने, उसका लाभ लीजिए। और अब इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है कि 15 से 18 के लोगों को भी वैक्सीन यहाँ पर देनी चाहिए। मैं परसों ही काकाणी साहब को मिलने जा रहा हूँ और वो भी कैंप आपका करा के रहूँगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। मैं कहूँगा कि हमारे जो कॉरपोरेटर है, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने अपने फ़र्ज को समझते हुए हमेशा हमारा साथ दिया, चाहे वो तकफीन का अमल हो या शमशान का अमल हो। हमने जब भी इनको आवाज़ दी है उस वक्त मौजूद थे। आज की ज़रूरत जो है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के ताल्लुक से हमने इनको जब भी कहा, इनका सहयोग से सेंटर बना। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए अतुल शाह साहब ने गवर्नर साहब के पास हमारी सारी कारगुजारी को रखा, और अतुल शाह के मेहनत की बुनियाद के ऊपर ही गवर्नर साहब के हाउस तक के जाना पड़ा, और उन्होंने हमारे सारे काम को सराहा। काम को सराहना एक अपनी जगह पर है, और एक संस्था का अपना काम अपनी जगह पर है। जो भी ट्रस्ट है या जो भी एनजीओ है, उसको अपने काम को इस वक्त जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर काम करना है, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो वैक्सीनेशन की है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहेंगे कि वैक्सीन ले, वैक्सीन ले और वैक्सीन ले। क्योंकि मैं आज भी कोविड के टास्क टीम, पूरे MCGM का टास्क टीम लीडर हूँ। पूरे बॉम्बे के अंदर कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी मुस्लिम की डेथ होती है तो वो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म किया जाता है। कल जो है वो 9 डेथ हुई थी, उसके बनिस्बत दिल्ली में 37 लोग मरे। तो इससे एक चीज़ ये पता चल रही है कि बॉम्बे के अंदर जो है कोविड वैक्सीनेशन का असर हमको हमारी जिंदगियों पे दिख रहा है। जो पहली बॉडीज थी, जो पहला वेव था, उसके अंदर जो है 5,000 और 7,000 केस में हमने 150 से 200 बॉडीज़ को तदफीन किया। आज 11,000 बॉडी में हमारे पास, अभी आंकड़ा आ जाएगा 7:30 बजे, मेरे को एक अंदाज़ा है आज कुछ 7 बॉडीज़ की डेथ हुई है। तो पता ये चलता है कि वैक्सीनेशन वाकई में जो ज़रूरत है इस वक्त, तो वो वैक्सीनेशन है। तो हमको लेना है और दूसरों को भी दिलाना है। तो आपके चैनल के माध्यम से और अतुल शाह और आरिफ बापू और दूसरे जितने भी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन इंशाल्लाह यही एक रास्ता है कोविड से बचने का। ठीक है, आज जो ये इनिशिएटिव लिया है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और जुम्मा जामा मस्जिद ने, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 100 करोड़, जैसे कि आप देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सरकार ने कहा है कि 100 करोड़ पार हो चुके हैं, तो 150 करोड़ के आसपास ही हो चुका है, ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है। फिर भी सेकेंड डोज वगैरह जो डर रहे हैं कि ऐसा होएगा, वह जैसे आप देख सकते हैं कि टाइफाइड वगैरह के भी बहुत से बच्चों को जो डोज लगते हुआ है पोलियो के, इसमें उसमें भी एक इंजेक्शन लगाने से हाथ दुखता है और एक बार बुखार आता है, बस नॉर्मली यही होता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ माइनॉरिटी के कुछ लोग हैं, कोई ऐसे समाज के जो इसको पहले बहिष्कार कर रहे थे, हम नहीं लगाएंगे, इससे ये होता है, इसमें
कुछ पीक का ये है या एक्स वाई, लोग एक्स वाई जेड बातें बना रहे थे। ये कोई एक पर्टिकुलर बीजेपी का वैक्सीन नहीं है, ये जो है एक सरकार का वैक्सीन है और ये पूरे देशवासियों के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक समाज के लिए या किसी के लिए। जैसे बापू हो गए, आरिफ बापू ने ये एक इनिशिएटिव लिया, अहमद एक ज़माने से इस चीज़ को कर रहे हैं, वैक्सीन का काम कर रहा है, अहमद हो गए, जावेद भाई हो गए, शकील भाई हो गए, अपने शोएब भाई हो गए, ये लोग एक टाइम से कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो लोग एरिया के हमारे जो सोशल वर्कर है, एक ज़माने के सीनियर सोशल वर्कर है, ये लोग आके एक चीज़ को कर रहे, तो आपका इसको लाभ उठाना चाहिए, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। और मैं देख रहा हूँ, ठीक है हमारी विचारधारा ज़रूर अतुल भाई से अलग हो सकती है, लेकिन इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर में मैंने माधव बाग जैसा कोई वैक्सीनेशन सेंटर देखा नहीं है। और ठीक है हमारी चीज़ें अलग है, लेकिन इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, इनके वार्ड के माध्यम से नहीं, पूरे मुंबई शहर के 35,000 लोग काफ़ी होते हैं जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेटर लोगों में अगर सबसे पहले किसी ने ये इनिशिएटिव लिया तो अतुल भाई ने ही लिया, और इस चीज़ को बहुत बेहतरीन, मैं खुद जाके विजिट किया हूँ और बहुत अच्छा बना है। और ये ऐसे गली मोहल्लों में वैक्सीनेशन कैंप लगाना, अहमद जैसे लगाता है हर जगह पे, तो इसका फ़ायदा और लाभ उठाना चाहिए, मेरा यही लोगों से मैसेज है। जना अतुल साहब एक सवाल है, जैसे कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो अभी जो वैक्सीनेशन का जो है अभी मामला जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, क्या इस ये जो है वैक्सीनेशन सेंटर इसमें भी स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं, ये पहले तो जब शुरू किया तो अपने 5 वार्ड ABCDE रिचर्डसन क्रुडास में यहाँ पर शुरू किया, मगर आज मेरी भी मांग है यहाँ पर, अभी मेरे को आरिफ बापू ने भी बचाया, शोएब भाई ने भी कहा कि 15 से 18 का, तो मैं तो मेरे सेंटर के लिए परसों काकानी साहब को मिलके आया, मैंने कहा सोमवार को आरिफ बापू और शोएब भाई को भी ले जाऊँगा और अपने छोटे छोटे सेंटर में भी 15 से 18 पक्का, भले 2-4 दिन लगेंगे मगर उनका भी वैक्सीनेशन। पर इसमें दो चीज़ करनी पड़ेगी, अपने को जो नॉर्मल वैक्सीन है जो 60 साल के अंदर के लोग हैं जिनको रोज का देते हैं, उनका सुबह का टाइम रखेंगे 11 से 2, जो भी आप नक्की करो, और 2 से 5 या 2 से 4, ये 15 से 18 का करेंगे, मुझे 100% गारंटी है कि क्योंकि वैक्सीन के नेशन की कोई कमी नहीं है, खाली योजना करनी है, तो वो धीरे धीरे नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर भी मैं ले सकते हैं। इस वक्त जो है वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? भाई एक खिदमत का मौका मिला हमारे को, जो हम ये चीज़ धकेले, इनके बड़े के आशीर्वाद से, सबकी दुआ से आप ये काम करे ले, कि कई लोग तक नहीं पहुंची तो हमने पहुंचाने का काम किया। अल्लाह कर हर टाइम पे ऐसा काम करे और हर टाइम पे ऐसा काम करे, दुआ करो आप हमारे लिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए कि आकर यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं, जो लोगों को कहना चाहिए जरूर आके खाइए, जरूर आके खाइए, ये बहुत कीमती चीज़ है कि अभी लॉकडाउन आता और जाता रहेगा, जब तक अपन ये चीज़ की सेफ्टी रखेंगे तो अपन को कोई चीज़ का डर नहीं, ये अपने लिए एक ढाल बन के रहेंगे अल्लाह चाहे तो, फिर तो मौत आना जाना अल्लाह के हाथ में, पर ये चीज़ में इतना है कि अपन को अपना सेफ्टी लेना चाहिए। थैंक यू। जैसा बारिश में रेनकोट लेते, जैसा वो लेते, इस तरह ये सेफ्टी लेना, ठीक है मैडम।